बदायूं, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, लेकिन पुलिस का यह रूप आजकल आपको देखने को मिलेगा। इससे आम जनता को गन पॉइंट पर जगह जगह तलाशी ली जा रही है। बाइक पर जा रहे राहगीरों की बदायूं पुलिस ने गन पॉइंट पर ली तलाशी, वीडियो वायरल। बदायूं शहर के बागरेन चौकी के प्रभारी राहुल सिसोदिया और दो कांस्टेबल का बीच सड़क मोटरसाइकिल सवार लोगों की गन पॉइंट पर तलाशी लेने का वीडियो वायरल हो गया है। बदायूं एनकाउंटर के लिए चर्चित यूपी पुलिस अब गन पॉइंट पर आम जनता की तलाशी ले रही है। सूबे के बदायूं शहर में मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे आम लोगों की पुलिस ने गन पॉइंट पर तलाशी ली। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो में बदायूं पुलिस गन पॉइंट पर तलाशी लेती दिख रही है। मजेदार बात यह है कि यह वीडियो खुद पुलिस ने ही रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो में बागरेन चौकी के प्रभारी राहुल सिसोदिया और दो कांस्टेबल बीच सड़क मोटरसाइकिल सवार लोगों की गन पॉइंट पर तलाशी ले रहे हैं। सिसोदिया से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देश दिया था कि किसी संदिग्ध की तलाशी लेने के दौरान सतर्कता बरतें। इसी वजह से कुछ संदिग्ध बाइक सवार लोगों की गन पॉइंट पर तलाशी ली गई। निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो गोली लग जाएगी। वीडियो में स्पष्ट सुनाई दे रहा है कि पुलिस अधिकारी बाइक सवारों को चेतावनी दे रहे हैं कि वे अपना हाथ ऊपर रखें और हिले नहीं। सिसोदिया ने कहा, अगर निर्देशों का पालन नहीं